नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं YouTube पर ग्रेटवे इन्फोटेक चैनल। दोस्तों मैं आज आपको एक नई फीचर्स, जो विंडोज़ की नई फीचर्स है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपने कंट्रोल पैनल का नाम सुना होगा। कंट्रोल पैनल में सारे जो सेटिंग्स होती है विंडोज़ की वो होती है, चाहे हार्डवेयर इंस्टॉलेशन विजार्ड हो, अनइंस्टॉलेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हो, कुछ भी हो वो होती है। तो फ्रेंड्स, उससे अच्छा एक मैं आज आपको गॉड मोड फोल्डर क्रिएट करना बताऊंगा, जहां से आप ये सेटिंग्स बिल्कुल इजी एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इस सेटिंग को आप डेस्कटॉप पर या अंदर किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, जहां से आप इसे इजी एक्सेस कर सकें। तो देखिए, पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल दिखाता हूं। ये कंट्रोल पैनल देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो हेडिंग्स हैं वो आप देख रहे होंगे सेटिंग के। मैं इसे थोड़ा स्मॉल आइकन में कर देता हूं ताकि आपको पूरे दिखे। देखिए, एक्शन सेंटर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का खुलेगा वो। ये पर्सनलाइज है, जहां से आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा गॉड मोड फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक नया फोल्डर तैयार करना होगा, चाहे आप डेस्कटॉप पर करो चाहे किसी ड्राइव में करो। तो मैंने डेस्कटॉप पर नया फोल्डर तैयार किया, न्यू फोल्डर, और इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। ये एक दोस्तों कोड है, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके इसको फोल्डर का रिनेम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही वो कोड यहाँ पर रिनेम किया, रिनेम में डाला, तो देखिए कंट्रोल पैनल और गॉड मोड का एक ही आइकन बन गया, लेकिन दोनों के जो अंदर के डिस्प्ले है वो बिल्कुल चेंज है। लिस्ट करने का तरीका देखिए, कंट्रोल पैनल में आपके जो हेडिंग्स है वो इस तरह से हैं, और यहाँ पर देखिए हेडिंग्स अलग हैं और उनकी पूरी डिटेल आपके सामने ही होगी कि इस हेडिंग के अंदर क्या है। तो इस तरह से दोस्तों, इसमें 200 से ज़्यादा सेटिंग्स के ऑप्शन हैं जिनको आप बड़े ईजी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा या ऊपर स्क्रॉल करना होगा, जहां आपको सेटिंग करनी है। जैसे मैं एक्शन सेंटर आपको दिखा रहा था, अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दिखा रहा हूं, और यहां के आगे लिखा भी हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और 10 लिखा है, मतलब इसके अंदर 10 हेडिंग्स और हैं जो सेटिंग करने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना है या डिस्क रिप्लेसमेंट करनी है। तो यहां पर देखिए ऑटो प्ले भी है, यहाँ से आप ऑटो प्ले की सेटिंग कर सकते हैं। इसके नीचे बैकअप है, उसके नीचे रिस्टोर फाइल्स है, मैनेज बिट लॉकर, आप बिट लॉकर भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं। इसमें इस तरह से बहुत सारी कमांड्स है, जबकि आपको कंट्रोल पैनल में ये ढूंढनी पड़ेगी कि बिट लॉकर कहाँ से मैनेज होगा। देखिए, अगर आप डिवाइस एंड प्रिंटर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है उसकी, पूरे डिवाइस है, सेटअप, USB गेम कंट्रोलर भी है, ड्यू स्कैनर, कैमराज भी है, चेंज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है, डिस्प्ले की सेटिंग है जिसमें आप थीम्स पर्सनलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि आपको कंट्रोल पैनल में ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पर बस आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, और जहाँ पर आपके काम की सेटिंग होगी उस पर रोक करके क्लिक कर दो और उसकी कॉन्फ़िगर कर दो। ये फोल्डर का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अगर फोल्डर का ऑप्शन आपको खोलना होगा तो आपको जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर व्यू फोल्डर, और वहां पर देखिए सारी सेटिंग्स हैं, नेटवर्क की सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं, और वायरलेस हो चाहे जो आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं उसका सेटअप करना हो। ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है जो आपके राइट साइड में होता है कंप्यूटर की टास्क बार पर। यहाँ से आप देखिए रिमोट डेस्कटॉप की जो सेटिंग करनी होती है आपको वो है, मतलब इससे यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं अभी आपको यूज़र कंट्रोल, जो क्रिएट यूज़र है, यूज़र प्रोफाइल जहाँ पर आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पर उसको बोलते हैं यूज़र अकाउंट, तो वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर यूज़र अकाउंट है, उससे ऊपर ट्रबल शूटिंग है जो कि आप देख रहे हैं। ये
ये यूज़र अकाउंट है, यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं, चेंज अकाउंट कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में डाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से कुल मिलाकर 200 जो विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेटिंग्स हैं वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसे कहते हैं गॉड मोड फोल्डर। तो दोस्तों आगे मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।